आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ में जाना चाहिए? वेल आई डोंट नो कितने लोग जानते हैं बट तूतक तूतिया इज़ मेड इन 3 लैंग्वेजेस. सो इसका तमिल वर्जन का नाम है देवी, इसके तेलुगू वर्जन का नाम है अभिनेत्री एंड द हिंदी वर्जन इज़ ऑफकोर्स तूतक. सो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा ये फिल्म क्योंकि 3 भाषाओं में शूट की गई, उसके ऊपर से मेरा डबल रोल है और एक लुक में गेटअप है. तो गेटअप ऐसा है कि आई प्ले अ विलेज गर्ल. सो विजय सर जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ही वॉन्टेड अ पर्टिकुलर लुक फॉर द फॉर देवीज कैरेक्टर विच इज़ वेरी हाउस वाइफ एंड विच इज़ वेरी रूरल. सो माई मेकअप वुड टेक अबाउट 2 आवर्स बिकॉज आई हैड टू टैन माई सेल्फ टू लुक लाइक द पार्ट. एंड या एंड इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस क्योंकि बहुत कम टाइम होता है जब एक्ट्रेसेस गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले अ कैरेक्टर दैट लुक्स डिफरेंट फ्रॉम देम. सो या आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई रियली एन्जॉयड इट. जब शुरुआत में वो ये फिल्म का कॉन्सेप्ट लेके आए थे मैं जानती थी कि प्रभु सर इस फिल्म में होने वाले हैं और मुझे मेन लीड का किरदार ऑफर किया गया एंड आई थॉट दैट वी बोथ वुड हैव सम अमाउंट ऑफ यू नो एक्सपेक्टेशन इन द तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बिकॉज वी बोथ बिन प्रभु सर को तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है एंड आई हैव ऑल्सो वर्कड फॉर अ वाइल. सो या आई मीन आई थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड देन सोनू ऑल्सो केम ऑन बोर्ड एंड सोनू इज ऑफ कोर्स he's done a lot of south films as a villain. So yeah, I mean it was a great idea to kind of take us all and put us in a package and I think ek jo pura casting bhi hai thoda unpredictable sa hai kyunki jab main logo ko bolti thi ki main prabhu ke sath film kar prabhu sir ke sath film kar rahi hu to unko lagta hai aap kaise matlab wo direct kar rahe hain kya kar rahe hain unke man mein hazar hazar kisam ke sawal hote the. So I think it's a very interesting casting aur log kya expect karna chahiye wo bhi nahi. You really can't expect too much when you come to a film like that. So I am sure it will be a surprise for them once they watch the film. तो मतलब हम ऐसा माने कि आपका भी in future में ऐसा कोई इरादा होगा as a producer director क्योंकि जिस तरह से इतना अच्छा idea आपका था तो आपको भी हम देखेंगे. मैं बस idea देने में अच्छी हूँ sir. मैं production एक बिल्कुल ही अलग सा काम है and उसके लिए एक अलग temperament की ज़रूरत पड़ती है और of course बहुत पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है. But more than that I think I focus on trying to be an actor and वो ही मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है. So I just try to focus on that. और कैसी रही केमिस्ट्री आपकी और प्रभु की? ट्रेलर में तो हमने देखा है बहुत ही फनी, बहुत ही अच्छे डायलॉग हैं. Yes. बहुत आई मीन प्रभु सर इज अ वेरी स्वीट पर्सन एंड ही इज वेरी चिल्ड आउट. बहुत हम्बल हैं, बहुत सिंपल हैं. और मैं जब उनसे पहली बार मिली मुझे लगा कि शायद हम जब फिल्म में एक्ट करना शुरू करेंगे यू नो ही इज अ डायरेक्टर हिमसेल्फ तो उनके काफ़ी सारे अपने पर्सपेक्टिव्स रहेंगे एंड यू नो ही हैव लॉट ऑफ इनपुट्स टू गिव. दिस इज व्हाट आई थॉट. बट जब मैं सेट पे आई तो इट वाज लाइक He was a completely director's actor. उन्होंने कभी विजय सर के इंस्ट्रक्शन के अलावा यू नो ही नेवर वेंट अवे फ्रॉम दैट. ही ऑलवेज एडेड मोर गुडनेस टू इट बट उसको छोड़ के उन्होंने कभी डाइवर्ट नहीं किया एंड दैट वॉज दैट मेड माई रिस्पेक्ट फॉर हिम ओनली ग्रो मोर बिकॉज बींग अ डायरेक्टर ही हैज अ परसेप्शन ऑफ हिज ओन बट ही डिडंट इन्वॉल्व हिज परसेप्शन एंड दैट काइंड ऑफ इज रियली एडमिरेबल. वो कुछ और भी बोल सकते थे लाइक इच्छा या कुछ बट जब तमन्ना फिल्म है तो उसका नाम क्यों नहीं यूज किया जाए. आई हैव मेट शाहरुख व्हेन आई डिड एन एड फिल्म विद हिम एंड ही इज एन एब्सोल्यूट जेंटलमैन एंड ही इज अ थॉरो प्रोफेशनल एंड अगर वो जो सुपरस्टार हैं वो बिल्कुल इसी की वजह से कि उन्होंने यू नो अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वर्क ही इज़ डन ही इज़ बिन सो हेल्पफुल. हमारे फिल्म में सोनू जी के कहने पर उन्होंने ये वॉइस ओवर दिया सो वी वेरी थैंकफुल टू हिम. वो काफ़ी बिजी थे अपने शेड्यूल में प्राग में बट उन्होंने स्पेशली वक्त निकाल के हमारे फिल्म के लिए वॉइस ओवर दिया. इनफैक्ट ही वेंट टू अ स्टूडियो एंड रिकॉर्डेड इट फॉर अस सो दैट वॉज समथिंग रियली स्पेशल एंड वी वेरी थैंकफुल टू हिम. और एक जो डायलॉग भी है कि किस्मत बड़ी कुत्ती कभी नहीं चीज़ कभी भी पलट जाती है, इस बात में कितना इत्तेफाक रखती है तमन्ना? वेल मेरे लाइफ में तो किस्मत ने हमेशा मेरा साथ ही दिया है तो शायद इट्स नॉट एग्जैक्टली एप्लीकेबल टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ. आई हैव ऑलवेज सीन यू नो लाइफ इज बीन वेरी काइंड टू मी सो बट यस अनप्रिडिक्टेबल. ये शायद सभी के लाइफ में ये बात कायम है कि यू नो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हमारे साथ कल क्या होगा. तो आई थिंक दैट इज एप्लीकेबल टू द फिल्म एंड टू एवरीबॉडी एल्स. तो ऐसी और भी कोई इच्छा आपकी कि इस तरह का किरदार अभी क्योंकि बाहुबली में हमने देखा ग्रेट हर जगह से जिस तरह से
और आपकी साउथ की फिल्में हम देखते हैं कि जिस तरह से अप्रिसिएट की जाती है, तो क्योंकि आपने बात हुई कि किस्मत बड़ी कुत्ती कमी कभी भी, ऐसी कोई इच्छा है आपकी या ऐसा कोई किरदार है या ऐसा कोई रोल मॉडल है कि जो अभी भी आपको वो ऐसा कोई मुकाम है जो अभी भी आपको पाना है, आपके आपका ड्रीम है ऐसा कुछ? वेल, एज एन एक्टर हम हमेशा चाहते हैं कि हम कुछ अलग करते रहें, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, या बट दैट्स अबाउट इट. मैंने कभी भी मैं एक एक्टर बनना चाहती थी जब मैंने फिल्म में ज्वाइन की थी, वो मैं बनी, एंड उसके बाद जो आया उसके बाद सिर्फ चीज़ें मेरे लिए अच्छी होती गई, बढ़ती गई. सो आई एज ऑफ नाउ आई ओनली वॉन्ट टू डू गुड वर्क, बिकॉज आई गो टू वर्क बिकॉज आई एन्जॉय वर्किंग, वो मेरी वजह है, और मैं नहीं जानती कि इसके अलावा मैं और क्या करती. दैट्स द रियल रीज़न आई वर्क इन द मूवीज़. सो या बस मैं जस्ट बस चाहती हूँ कि मैं फिल्मों में काम करते हुए एंजॉय करूँ और लोग मुझे देखना चाहें, और मैं मनपसंद किरदार करते रहूँ. जी बिल्कुल, आई होप कि आप बहुत सारे किरदार आपको मिलेंगे. गेस्ट अपीयरेंस भी है, यस बहुत सारे हैं. Yes. 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 फरा मैम इस फिल्म में, यस एमी, ईशा गुप्ता. हमने जब इनसे बात की थी प्रभु और सोनू जी से, तो उनका ऐसा कहना था कि शायद शाहरुख भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं फिल्म में. आई डोंट नो की होगा, आपको भी मालूम होगा स्पेशल अपीयरेंस का ये तो होता है. तो क्या कहना चाहेंगे इन सभी के लिए जिस तरह से? वेल, आई थिंक सोनू इज एन एब्सोल्यूट डार्लिंग, एंड जब से उन्होंने फिल्म को खरीदा, एंड सिंस ही बिकेम अ प्रोड्यूसर, ही हैज़ पुट इन हिज हार्ट एंड सोल इनटू द फिल्म, एंड हर तरीके से ही हैज़ यू नो, ऑल हिज फ्रेंड्स हैव आल्सो हेल्प्ड अ लॉट, दे हैव ऑल कम एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड. इन एमीज केस, एमी वॉज एक्चुअली लॉन्च्ड बाय विजय सर, जिस जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो शी वॉज काइंड एनफ टू कम ऑन बोर्ड एंड डू द सॉन्ग विद प्रभु सर. So I think we've been very lucky that people have really helped us and you know, help us make this film more entertaining and more lively. Acha, last question, please. last two. I like people waiting. Acha, Tamanna, हमने देखा कि आपने अजय जी के साथ में भी हमने आपको एक बेहतरीन किरदार, अगर रणवीर के साथ में, अक्षय कुमार के साथ, क्योंकि शाहरुख की बात हुई है, तो ऐसे खान साहब के साथ में या आमिर शाहरुख सलमान, तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं आपके या ऐसी कुछ बातें चल रही हैं या ऐसा कुछ, या आपकी इच्छा है कि हाँ इनके साथ में मुझे अभी इनके साथ में ऐसी कोई फिल्में आनी चाहिए या ऐसा कुछ आपका? आई मीन आई वर्कड विथ यू नो, आई वर्कड विथ अजय, वर्कड विथ शाहरुख इन एन एड, आई डिड एन एड विथ रणवीर. दीज आर ऑल रियली रियली टैलेंटेड पीपल. आई डन अ फिल्म विथ अक्षय, आई डन अ फिल्म विथ सैफ. दीज आर ऑल रियली रियली अमेजिंग एंड टैलेंटेड पीपल इन देर ओन वे, एंड आई एम वेरी लकी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है. बट आई थिंक आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो वर्किंग विथ यू नो से रणवीर, बिकॉज आई थिंक मैंने उनके साथ जो एक एड फिल्म की थी मुझे बहुत मजा आया, एंड अगर in the future I would love to work with him, one thing because he's an amazing actor, and I felt that there was I mean it I was projected so well in that ad that mujhe bahut se compliments mile uske liye, and I feel happy that you know that response was like that. Ji, aur ek jo best compliment abhi haal hi mein mila Kangana ne, matlab unhone kaha ki yeah, that's really sweet of her actually. Kangana aapko like karti hai, aapki filmein dekhti hai aur aapko bahut pasand karti hai. I mean I am a huge fan of Kangana's. I have always loved her work, and more than anything else I look up to her as a person. उन्होंने जो जिस किस्म की फिल्में की, आज उन्होंने उन्होंने जितने नेशनल अवार्ड्स जीते, आई थिंक शी डिजर्व्स ईच एंड एवरी वन ऑफ देम. शी इज़ अ वेरी वेरी अमेजिंग एक्टर, एंड आई थिंक शी इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग यू नो आइडल फॉर अ लॉट ऑफ वुमेन, क्योंकि बहुत ही उनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड उनके फैशन सेंस बहुत अमेजिंग है. आई लुक अप टू हर फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एज वेल. So you know, she is I just want to pay back the compliment, because I'm a huge fan of hers, so I'm very very thankful to her that itni sweet baatein boli, and means a lot to me. Ji ji, jaate jana chahenge ki Bahubali 2 ki kaisi chal rahi taiyariyan? I have shot most of my portions, kuch thoda shooting baki hai unke sath, but most of my portions are shot, and the film is still being made and comes out in April 2017. तो पार्ट 2 में इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, आपको ये जवाब जरूर मिल जाएगा.